फ्रेंड्स क्लास टेंथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2021 की, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर बात पूछे जाते हैं दो नंबर के सवाल में। दोस्तों मैं आपको शुरू में बता देता हूं कि मेरा राइटिंग जो है थोड़ा सा अलग है, मतलब ये राइटिंग मेरा नहीं है और किसी और का है, ठीक है। ये मैंने किसी और से लिखा है और वो जल्दीबाजी में लिखा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पढ़ पढ़ के बताऊंगा, आप लोग समझ लेना, और आपको जो भी राइटिंग समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप आंसर बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इम्प्रेस नहीं किए हैं इम्प्रेस कर देना। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्रुव किसे कहते हैं, क्या कहते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, गोली दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि ये दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर आप समझिए ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, दर्पण है, ये इस तरीके से आप बनाते होंगे ना, ये जो हमारा जो रहेगा यानी कि इसको पी से निरूपित किया जाता है, इसी को मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम, ध्रुव कहते हैं। तो याद रखना है गोली दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर देखिए, गोली दर्पण के जिस गोले का भाग होता है, ध्यान से समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वक्रता त्रिज्या जो है वो गोली दर्पण से ही निकलता है, इसलिए आप शुरू में इसको लिख सकते हो कि गोली दर्पण के जिस गोले का भाग होता है वह गोले का केंद्र का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। याद रखना गोली दर्पण के जिस गोले का भाग होता है तो गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। याद रखना जिस गोले का भाग होता है। उसके बाद हमारा वक्रता त्रिज्या आता है जो सेम टू सेम है, बस आपको याद ही करना जरा सा मुश्किल होगा लेकिन तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, जैसे कि आप इस पर निरूपित किए हैं वक्रता केंद्र पर, उसी तरीके से वक्रता त्रिज्या भी है, इसी पर आधारित है, ठीक है। अगर ये आपको याद हो गया तो ये भी आराम से याद हो जाएगा। कहता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसमें क्या था, वक्रता केंद्र जिसको सी से निरूपित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से निरूपित किया जाता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हो तो गोले की त्रिज्या को दर्पण का त्रिज्या कहते हैं, बस इसी पर डिपेंड है। फ्रेंड्स जैसे कि आपने यहाँ पर याद किया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहेंगे, और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हो तो गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्र त्रिज्या कहते हैं, बस इसी पे आधारित आपको याद करना है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी मोस्ट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर ये आपको साफ से दिखाई दे रहा होगा, गोली दर्पण के ध्रुव से, गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये जो है प्रधान या मुख्य अक्ष दोनों जो है एक है, इसका मुख्य अक्ष भी नाम है एक प्रधान भी है, तो आपका एग्जाम में प्रधान भी आ सकता है या मुख्य अक्ष आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों को लिख दिया हूँ, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में मुख्य अक्ष के बारे में पूछ सकता है या आपको प्रधान के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है गोलीय दर्पण के ध्रुव से, जो ध्रुव से निकलेगा, मैंने आपको समझाया था कि ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो ये मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, और उस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो वक्रता केंद्र को मिलाएगी यानी कि वक्रता केंद्र को मिलाएगी और उस सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा जैसे जाएगी, जैसे कि आई होप आपको मैं अब समझाता हूँ, ये क्या है, एक दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है, पी है यानी कि ध्रुव है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, सरल रेखा मतलब क्या होगा, सीधा रेखा। तो यहाँ पर ध्रुव से जो वक्रता केंद्र को मिलाएगी, यहाँ जो हमारा वक्रता केंद्र बनेगा और उसी को मिलाने को दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। आई होप याद होगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वीडियो, और ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, और आई होप आपको एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यही वो क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं,
पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को देख लिया अच्छे से। और ये जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, पार्श्व परावर्तन इसको समझाएंगे तो आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं कभी। जैसे आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाया था तो समझ गए थे, ये भी उसी तरीके से है, पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर क्या कहते हैं, जब हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, जब हम अपना प्रतिबिंब खुद का शरीर दर्पण में देखते हैं कि वह हर तरह से मेरे ही समान होते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। यदि जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है, और जब बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का दाहिना हाथ उठ रहा है, और इसी क्रिया को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, जब आप अपना बॉडी को दर्पण के सामने ले जाएंगे तो वह आपको मूल रूप से आपका शरीर ही दर्पण में दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे दर्पण में अपने शरीर को ध्यान से देखेंगे तो एक अंतर का पता चलता है। कितने अंतर का? तो एक अंतर का पता चलता है। वह अंतर कौन है? जैसे कि आप ट्राई करना, आप दर्पण के सामने जाकर अपना जो है जिसे खाना खाते हो वो हाथ दर्पण के सामने उठाना, और आपको लगेगा कि प्रतिबिंब जो है बायना हाथ उठ रहा है, ठीक है। यानी कि जब आप दाहिना हाथ को उठाओगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो लगेगा कि आपका बायना हाथ उठ रहा है, ठीक है। और अगर आप एक्चुअली में बायना हाथ उठाते हो यानी कि बायां हाथ उठाते हो तो लगेगा प्रतिबिंब का दाहिना हाथ उठ रहा है। तो इसी क्रिया को पार्श्व परावर्तन कहते हैं एक तरीके से। और जैसे कि अगर याद नहीं हुआ आपको तो देखिए क्या करेगा, दर्पण के सामने एक पी बना दीजिएगा, ठीक है। यानी कि कागज में बड़ा पी लिख दीजिए और दर्पण के सामने लेकर जाइए तो आपको प्रतिबिंब जो है इस प्रकार दिखेगा। बिल्कुल अब मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाकर ट्राई कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं हम पार्श्व परावर्तन, जो आपको सीधा लगेगा लेकिन प्रतिबिंब में उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा दिखाई देगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको याद करिए अच्छे से, रिवीजन करिए घर में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप एनसीईआरटी का मैथ पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपना राय बता दीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल।